यह हदीस है सुनन अबू दाऊद की, हदीस नंबर 1641, 1641। सही हदीस है। एक अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगने के लिए आया। आपने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? बोला, क्यों नहीं, एक कंबल है जिसमें से हम कुछ ओढ़ते हैं और कुछ बिछा लेते हैं, और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों मेरे पास ले आओ। चुनांचा वो ने आपके पास ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने हाथ में लिया और फरमाया, ये दोनों कौन खरीदेगा? एक आदमी बोला, इन्हें मैं एक दिरहम में खरीद लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, एक दिरहम से ज्यादा कौन दे रहा है, दो बार या तीन बार? तो एक शख्स बोला, मैं उन्हें दो दिरहम में खरीद लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो दोनों चीजें दे दी और उससे दिरहम लेकर अंसारी को दे दिए और फरमाया, इनमें से एक दिरहम का गल्ला खरीद कर अपने घर में डाल दो और एक दिरहम की कुल्हाड़ी ले आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसमें एक लकड़ी ठोंक दी और फरमाया, जाओ लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो, और 15 दिन तक मैं तुम्हें यहां ना देखूं। चुनांचे वो शख्स गया और लकड़ियां काट कर लाता और बेचता रहा। फिर आया और 10 दिरहम कमा चुका। उसने कुछ का कपड़ा खरीदा और कुछ का गल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है इससे कि कयामत के दिन मांगने की वजह से तुम्हारे चेहरे में कोई दाग हो। मांगना सिर्फ 3 किस्म के लोगों के लिए दुरुस्त है। एक तो वो जो निहायत मोहताज हो, खात्मे लौटता होता। दूसरे वो जिसके सर पर घबरा देने वाले भारी कर्जे का बोझ हो। तीसरे वो जिस पर खून की दियत लाजिम हो और वो दियत अदा ना कर सकता, और उसके लिए वो सवाल करे या मांगे।